हेलो फ्रेंड, हाय, नमस्ते। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी मस्त हूँ। अभी सुबह का 9 बज गया है और मैं जा रही हूँ अभी खाना बनाने के लिए। तो वैसे तो मैं और दिन ना 9 बजे तक बना के रेडी कर देती हूँ, लेकिन आज मैं लेट से खाना बना रही हूँ। तो सब्जी तो मेरा शाम का काफ़ी बचा हुआ है, तो अभी सब्जी नहीं बनाऊँगी, वही सब्जी मैं खाऊंगी और खाना केवल बनाऊंगी। तो आप सब पूरे वीडियो में आखिर तक बने रहिए और देखिए फ्रेंड, मेरे चेहरे में क्या हो रहा है पता नहीं, देख सकते हैं ये सफेद सफेद। वैसे भी हल्का फुल्का गोरी तो हूँ मैं, फिर भी से और गोरी हो रही हूँ, क्योंकि ये ना देखने में भी अच्छा नहीं दिखता है। तो अगर आप सबको पता है इनका दवाई तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और धीरे धीरे ना, शुरू शुरू में ये आसपास हुआ था, पर आजकल धीरे धीरे मतलब पूरा चेहरा में ना फैल रहा है, तो देखने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। और पहले कभी नहीं हुआ था, फर्स्ट बार ये हुआ है। फ्रेंड, यहाँ पर मैं झाड़ू का छिलका निकाल रही हूँ। एक दिन मैं गई थी झाड़ू तोड़ने के लिए, तो थोड़ा सा लेकर के आई थी। और इसमें ना इस टाइप का जो रहता है उसको हम लोग निकाल के फेंक देते हैं। ये देखिए, इधर मैं निकाल निकाल के साइड कर रही हूँ, तो यहाँ का सारा को निकाल के अभी ख़त्म करूँगी। और ये फटाफट हो जाता है, बिल्कुल भी लेट नहीं लगता है। उसके बाद में इधर देखिए, इसका काटा भी अच्छे से सूख रहा है। और इनका जो छिलका है उसको निकाल लूँगी, उसके बाद धूप में सुखा दूँगी और सूख जाएगा, उस समय इनका काटा को मैं झाड़ दूँगी डंडे से, तो अच्छे से निकल जाता है। और अभी मैं बाहर बैठी हूँ, तो यहाँ पे ना ज़्यादातर गाड़ी की आवाज़ आती है, तो मेरा आवाज़ आप सभी को कम सुनाई देगा। तो फ्रेंड, मैंने ना अभी सारे झाड़ू का छिलका जो है निकाल के ख़त्म कर दिया है। अब इनको मैं धूप में रख देती हूँ। ये देखिए इनका काटा। तो यहाँ पे धूप है, यहाँ पर मैं रख देती हूँ। और ये ना सूख जाएगा, वैसे तो आधे आध सूख गया है, बस थोड़ा थोड़ा बाकी है, तो रख दी हूँ। और आज ना काफ़ी अच्छा धूप निकला हुआ है, देख सकते हैं कितना अच्छा से साफ सुथरा मौसम दिख रहा है। और यहाँ सामने मैं तुलसी का पौधा लगाई हूँ, वो भी अब बड़ा हो गया है। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हमारे स्वामी जी चावल फटक रहे हैं, और जितना काम नहीं कर रहे हैं उतना हंसी आ रहा है इनको, क्योंकि अच्छे से फटकना नहीं आता है, तो सीख रहे हैं। कोई भी काम ना एक ही बार में नहीं होता है, अगर करते रहो तो आदत पड़ जाता है। मैं भी शुरू शुरू में नहीं जान रही थी, लेकिन अब जो है सीख गई हूँ। और यहाँ पर मैं ये ना सनई का फूल है, और इनका मैं सब्जी बनाई हुई हूँ, तो इसमें आलू वगैरह कुछ भी मिक्स नहीं की हूँ, बस लहसुन और प्याज का तड़का लगा के मैं इनको बनाई हुई हूँ। और आप सभी को मैं हर बार बताती हूँ कि मैं ना बहुत ही ज़्यादा मतलब सिंपल सब्जी पसंद करती हूँ, तो वैसे ही सिंपल बनाई हुई हूँ और आप सभी को दिखा दी। और इधर मैं आ गई हूँ झाड़ू को मतलब इनका काटा झाड़ने के लिए साइड में, क्योंकि घर के आसपास इनका काटा रहेगा तो फिर हाथ पैर में चुभ सकता है। तो अभी ये ना सूख गया है और अच्छे से इनका काटा जो है निकल रहा है। और आज का मौसम देखिए कितना ज़्यादा साफ सुथरा दिख रहा है, देखने में बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है। और ये झाड़ू मेरा एक मुट्ठी हो जाएगा, यानी कि एक झाड़ू तैयार हो जाएगा। तो झाड़ू बनाने से पहले ना फ्रेंड, इनका छिलका को निकालना पड़ता है और इनका काटा को हटाना पड़ता है, उसके बाद में इनको भिगो करके
झाड़ू बनाया जाता है। तो आप सब अगर झाड़ू बनाने के लिए सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं इस बार भी बताऊंगी जो अगले बार बताई थी उसी प्रकार। तो फ्रेंड अभी मैं घर के अंदर आ गई हूँ, झाड़ू को वहाँ पर जो काटा था उनको अच्छे से निकाल दी हूँ। और बाहर आज इतना तेज धूप है ना कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो अभी मैं घर के अंदर आ गई। और आज का वीडियो कैसा लगा फ्रेंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे भी सपोर्ट कीजिएगा। आप सबके सहयोग और सपोर्ट के सिवाय कुछ भी नहीं है मेरे लिए, तो प्लीज़ आप सब पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलूँगी एक नई वीडियो के संग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अच्छे से रहिए। बाय बाय।